अध्याय त्रीजो। त्रीजा अध्याय में महिषासुर वधनु वर्णन छे। आगळना अध्याय में आपणे जोयुं के भगवती भद्रकालीए कई रीते महिषासुरनी सेना ने नष्ट भ्रष्ट करी मूकी। दैत्योनी सेनानो कच्चर घाण निकळतो जोई सेनापति चिक्षुर देवी सामे धसी गयो। साम सामी शस्त्रोनी झड़ी वरसी, भयंकर युद्ध खेडायुं। देवीना शाक्त तेज सामे महापराक्रमी असुर सेनापतिओ टकी न शक्या। सौथी पहला चिक्षुर हणायो, पछी देवताओं ने पीड़ा आपनार चामर ने देवीए यम सदन पहुंचाड़ियो। एक पछी एक बलवान असुर वीरोनो संहार आदर्यो। अंते महाबली महिषासुर देवी सामे युद्धे चढ़ो। बहुरूपी आसुरी माया प्रयोजी, क्यारेक महिष रूपे, क्यारेक सिंह रूपे, क्यारेक हाथीनु रूप धरीने, क्यारेक खड़गधारी पुरुष स्वरूप धारण करीने सचराचर सृष्टि अने त्रिलोक ने घमरोड़वा मांड्यो। एने फरी एक वार पाड़ानु एटले के महिषनु स्वरूप लीधु। देवी सामे उग्रताथी गरजो, धायो, लड़्यो। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़, गर्जी ले मूढ़। क्षणभर हुंकार करी ले, पछी मारे हाथे हणाशे त्यारे देवो गर्जना करशे। एम कहती देवी चंडिका उछळीने महिषासुर पर चढ़ी बैठा। महिषासुर ने पोताना पगथी दबावीने एना गळा पर शूळथी प्रहार कर्यो, तलवारथी एनु मस्तक उड़ाव्यो। महाबाहु महिषासुरना वधथी रही सही असुर सेना हाहाकार करती पलायन थई गई। देवो अति प्रसन्न थई उठ्या। महर्षिओए भगवती दुर्गानुं स्तवन कर्युं। गंधर्वोए आनंद गान गायुं अने अप्सराओ नृत्य करवा लागी। उद्यत भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमा शिरो मालिका रक्ता लिप्त पयोधरा जपवटी विद्याम भीतिम वरम हस्ताब्जैर्दधती त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपात् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीं शरवर्षे ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोय वर्षेण तोयदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्तरा जघान यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत
खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्य खड्गो भुजं चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलम् तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढः चामरस्त्रिदशार्दनः सोपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्स्वमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चारणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टीतलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परा
लांगूलताडितांश्चान्यां श्रृंगाभ्यांच विदारितां वेगेन कांशिदपरां नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्या पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लांगूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः धुतश्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययूर्धनः श्वासानिलास्तः शतशो निपेतुर्नभसोचलः इति क्रोध समाग्मातम् आपतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चंडिका कोपम् तद्वधाय तदाकरो साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्ध्वं ततःसोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरा सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम्
देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारुढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनम ताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रांत स्तया निज मुखात् ततः अर्धनिष्क्रांत एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवता गणः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रुतुश्चाप्सरो गणः ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।